एक किलो दूध चढ़ा के मैं इधर आके बैठा हुआ, तब मोबाइल देखने लगा, भूल ही गया इधर दूध चढ़ा दिया। अब ये 100 ग्राम भी नहीं है। तो कैसे रही, मैं आ चुका हूँ मोबाइल घर के नीचे। एक्चुअली क्या है कि मुझे इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, आप लोगों को तो पता ही, मैंने ऐसे बताया थोड़ी देर पहले। तो हम लोग जाने वाले हैं सुरभि हॉस्पिटल, जो हमारे नोएडा में पड़ता है। मुझे रास्ता तो याद नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल याद है। अगर मुझे ये रास्ता याद दिलाएंगे तो हो जाएगा शायद याद। चले सिटी सेंटर से जो अंडरपास वाला रोड नहीं जाता, एक ऊपर से रोड जाती है, वो जो सीधे इस्कॉन के लिए फिर निकलती है, वहीं पे तो है कोने पे सुरभि। मोमो का हो गया है लूज मोशन, एक तरह से बोल सकते हो। पागल वागल हो क्या? हाँ, कमजोरी इसे कहते हैं। लूज मोशन डायरिया होता है, अलग होता है लूज मोशन। जी क्या हुआ है? डिहाइड्रेशन। अरे चलो तुम डॉक्टर। हुआ क्या ये तो बता। वो डॉक्टर बताएगा। चलो टाइम नहीं है, नहीं बता सही क्या हुआ। टाइम नहीं है यार, मुझे बता सही। देख लेने दो, कोई बात नहीं, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, समझ में आया? चल देगा इस फालतू में भड़क भड़क जाएगी, दिक्कत हो जाएगी यार। पर हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम बताते हैं हुआ क्या है इसको। मुझे तो पता भी नहीं है यार, बताओ कैसा लापरवाह लड़का हो। A few moments later. गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हीरा सुरभि हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल के लिए मुझे घुमा के लाइए। अरे बस करो, मेरी गलती नहीं है डेविड, कोई बात नहीं। मैंने पहले तुमसे बोला था, मैं लोकेशन लगा दूं, तुम कह रहे नहीं मुझे पता है। चलो देखो गाइस, लड़की ने कभी अपनी हार मानती नहीं है, उन्होंने कभी अपनी गलती माना स्वीकार किया ही नहीं आज तक। लाइन लगानी पड़ेगी। चल ना, चल चल चल, पानी पी लो। वो पीले पानी में, वो बीमार तो है। मैं बीमार दिख रही हूं। हां, हर जगह से अगर चलते अंदर, अभी पहले कैश काउंटर पे जाना है, वहां से देख ले जो भी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात कर रही थी बीमारी को लेके, a few moments later. यूरिन में क्या प्रॉब्लम होती है? मेरे को काफी जलन होती है, और जैसे होना चाहिए यूरिन वैसे नहीं था। एक पहली चीज तो अल्ट्रासाउंड करा लो आप, है ना, तो स्टोन वगैरह ना। दूसरा फिर यूरिन का टेस्ट कराएंगे। तो अभी खाली पेट है ना? ओके, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि पानी पियो, जितना पीना है पानी पी पी के ना मेरे मुंह से पानी निकलने को तैयार हो गया है। और डेविड यहाँ पे छोले भटूरे खा रहा है। फिलहाल मैं मम्मी को कॉल करूँगी, क्योंकि डेविड बेचारा कब से आया हुआ है परेशान। मैंने कहा जब तक प्रेशर आता है तब तक तुम खाना खा लो। हाँ डेविड, मैं आ चुका घर पे, और घर पर आने के बाद देखा मैंने घर की हालत कुछ ऐसे कर रखी है मैंने फिलहाल, क्योंकि मैं थोड़ा साफ सफाई कर ले रहा हूँ घर पे, और दवाई वाई सब कुछ दे दिया उसको, सब कुछ दिला दिया और बता दिया कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है। बाकी तो वो इतनी समझदारी के अपने ध्यान रख सकती है। और अभी देखो घर की हालत आता है, फिर सोचा कि थोड़ी घर की सफाई कर लेते हैं। देखो मंदिर वगैरह सब मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि नीचे नहीं रख सकते इसको अभी फिलहाल, इसे सफाई कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेस करके मंदिर की जगह भी साफ़ करने की कोशिश करी है। यहाँ पे थोड़ा अभी झाड़ू पोछा मारेंगे, पूरा क्लीन कर लेंगे एरिया को, क्योंकि यार घर की सफाई करना ज़रूरी है ना। अब घर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर ही लेना, इसलिए दिमाग भी चलता रहे, हाथ पर भी चलता रहे, तो घर सफाई कर लेते हैं। One hour later. देखो गाइस, अभी बज रहे रात के 9,
और अभी पापा भी आ चुके हैं, और पापा ने देखो अभी, पापा तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैंने सफाई वफाई सब कुछ कर दिया, घर देखो एकदम क्लीन कर दिया एकदम, मैंने उस टाइम दिखाया नहीं आपको, सॉरी माफ़ करना, सब अपनी जगह पर रख दिया। और इधर देखो ये तो खीर बना, वो बना दिया अपना आइसक्रीम, एक किलो दूध चढ़ा के मैं इधर आके बैठा हूँ, तब मोबाइल देखने लगा, भूल ही गया इधर दूध चढ़ाया हूँ, शुक्र माने कि आज कम कर रखा था मैंने। ये एक किलो दूध दे होगा, ये एक पाव भी नहीं है अब, ये 100 ग्राम भी नहीं है। खुशबू बहुत तगड़ी आ रही है, लेकिन भाई इसलिए कहते हैं गाइस कि फोन पे कभी इतना फोकस नहीं करना चाहिए, इससे देखो पता चल रहा है ना हमको, बच्चे तो बच्चे आजकल, बड़े लोग भी फोन पे घुस के एकदम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जा रहे हैं। देखो आगे देखो कितना टेस्टी आता है, अरे मेरे को कटोरे में डाल के दो, हफ्ते खाने में मजा आएगा। एक किलो दूध का बना, एक पाव रबड़ी, एक पाव भी नहीं, 100 ग्राम रबड़ी, खाओ आप खाओ, देखो गाइस, अरे खाओ ना आप खाओ, ये खाऊंगा थोड़ी मैं, वो अभी दवाई के साथ खाऊंगा। ये गाइस ये खा के देखते हैं कि कैसा हो गया ये दूध का हिस्सा। गाइस मैंने एक बाइट लेकर देखा, अरे बड़ा टेस्टी लग रहा है यार भाई, ये जो भी बन गया है दूध का, ये पंखा चलाना थोड़ा ठंडा हो जाए, बहुत टेस्ट लग रहा है गाइस, बहुत टेस्टी लग रहा है, एक चम्मच थोड़ा सा खा के देखो एकदम मजा आ गया यार। बर्फी इसी का तो बर्फी बनाते हैं, कैसे बनता है बर्फी पता है? ओ भाई इसी दूध को जला करके पका के बर्फी बनाते हैं भाई, ये खतरनाक टेस्ट लग रहा है बाबा यार, मजा आ गया, दूसरा मंगा लो एक अपने लिए दवाई के लिए, अभी हम लोगों को छोड़ दो, हम खाएंगे, ले खा ले, हम खाएंगे अभी। अरे लेट यार, आकाश को दो, आकाश उधर मोड़ा मोड़ा लेके जाएगी। मारो हैप्पी मदर्स डे मौसी, आज तुम्हारी मांस मानो, शेरी शेरी लेडी गोइंग थ्रू इमोशन, मस्त दांत लग गए इधर पीछे, ऐसा ना पांच दफा खा रहे हम लोग, हाय इसने मुझे इतनी तेज पकड़ा। The next day. Hello guys, good morning आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, और हम सबके तरफ से आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। हमने हैप्पी मदर्स डे बनाया, रात को केक काटा था हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, और आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वैसे ब्लॉग डाल नहीं पा रहे हम जितना हो सकता है डालने की कोशिश कर रहे हैं, और नीचे जनरेटर चल रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रही मेरे ख्याल से, और नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ सोचा है मैंने आप लोगों को बताने के लिए, अगर आप लोगों के लिए कुछ सोचा है मैंने बताऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज़ इसके बाद जो आने वाले ब्लॉगों से देखना जरूर मिस मत करना, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दो प्लीज़ यार।